कानपुर जिला कारागार में सजा काट रहे कैदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी कलाई पर राखी बांध उनका मुंह मीठा कराया। कई महीनों बाद अपने भाइयों से मिलकर बहनों की आंखें नम हो गई। इस मौके पर भाइयों ने अपनी बहनों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बुरे कामों को न करने की कसम खाई। यूं तो रक्षाबंधन के दिन देश की सभी जेलों में कैदियों को अपनी बहनों से मुलाकात करने और राखी बंधवाने का मौका मुहैया कराया जाता है, लेकिन सुरक्षा की खातिर भाई बहन के बीच लोहे की जाली की दीवार खड़ी रहती है। कानून की बेड़ियों में जकड़ा भाई दीवार में बने एक छोटे से छेद से अपनी कलाई बाहर निकालता है और बेबस बहन उस पर राखी बांध देती है। जिस भाई को अपनी बहन की रक्षा का वचन देना होता है वह खुद कालकोठरी में दिन काट रहा होता है, लेकिन कानपुर कारागार के अधिकारियों ने तमाम कानून की बंदिशें तोड़ परंपराओं को उलट दिया। उन्होंने भाई बहन के बीच लोहे की जालीदार दीवार खड़ी नहीं की। कैदियों को उनकी बहनों से खुलकर इस तरह मिलवाया जैसे वे अपने घरों में हो। कानपुर जिला कारागार में पहली बार बहनों को लगा कि वे अपने भाई से जेल में नहीं घर में मिल रही हो। बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उपहार में वचन लिया कि वे जेल से बाहर आने के बाद पूरी तरह सुधर जाएंगे और कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। कानपुर नगर से संवाददाता रामवीर कुशवाहा की रिपोर्ट। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो जेल में बहनों के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं रक्षाबंधन? इनके बीच में एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का पहले आयोजन किया गया था और इनके द्वारा राखी वगैरह स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से तैयार कराई गई हैं और राष्ट्रीय ध्वज भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। बंदी हमारे तैयार कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके। वो ध्वज हम अपने स्टाफ को और जेल में बंदियों को सबको देने के लिए सबको दे दिए गए हैं। ये सारे काम कर रहे हैं और आज रक्षाबंधन में काफ़ी संख्या में बहनों के आने का अनुमान था, उसको देखते हुए हम लोगों ने उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, धूप न हो छाया की व्यवस्था हो जाए ये सब व्यवस्था कर रखा है। इसमें हमने स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया है और उनके माध्यम से बंदियों के लिए रोली, टीका, अक्षत, राखी, मिठाई ये सब व्यवस्था भी इन लोगों ने किया है। और हमारे माननीय मंत्री जी और डीजी सर का ये निर्देश था कि जो भी लोग आते हैं उनको सुविधाजनक तरीके से राखी बांधने की व्यवस्था कराई जाए और कोई भी कलाई सूनी न रहने पाए, तो इस दिशा में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हम सफल हों काफी। सर, पहले जेल में रक्षाबंधन में बंद से हुआ करती थी, जो सही राखी बांधी जाती थी, इस पर क्या व्यवस्था है? बहने बिल्कुल पास में जाके बांध सकती हैं? इस बार चूंकि इस समय सबको कोविड के की वैक्सीन दो दो डोज लगाई जा चुकी हैं, तो ये व्यवस्था किया है कि जिनको दो डोज लग चुकी हैं वो, और बंदियों का भी चेकअप हम लोग समय समय पर कराते रहते हैं, तो कारागार में कोई बंदी भी कोविड से पीड़ित पॉजिटिव इस समय नहीं है और जिनको हम प्रवेश दे रहे हैं सभी लोग दो दो वैक्सीन लगवाए हुए हैं, तो इस तरह से थोड़ा गैप रहेगा तब भी, लेकिन प्रयास ये किया है कि सबको सुविधाजनक तरीके से राखी बांधने का मौका दिया जा सके।